दोस्तों, समाज में फैली पुलिस की कार्यप्रणाली से तो आप सभी वाकिफ होंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सभी पुलिस वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे जरूर होते हैं जो वर्दी को कलंकित कर देते हैं। कुछ इसी तरह 2016 में तमिल इंडस्ट्री ने एक ऐसी ही सत्य घटना को लोगों के सामने रखा, जिसे देखकर यकीनन आपका दिल भी दहल उठेगा। इस कहानी ने न सिर्फ पुलिस के एक तबके की खौफनाक असलियत को दुनिया से रूबरू करवाया, बल्कि अपनी ईमानदारी के चलते देश विदेश में कई पुरस्कार भी जीते। फिल्म का नाम है विसारा नाई और इसके डायरेक्टर हैं धनुष। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की भावुक कर देने वाली कहानी और जानते हैं कि आखिर क्या है इसमें इतना खास जिसकी वजह से IMDb में 8.5 की उम्दा रेटिंग मिली है। कहानी की शुरुआत आंध्र प्रदेश के गुंतूर इलाके से होती है, जहां पर पंडी नाम का एक लड़का चाय की टपरी चलाया करता है। वैसे तो पंडी तमिलनाडु से ताल्लुक रखता था, लेकिन रोजी रोटी कमाने के लिए वो आंध्र प्रदेश में काम करता था। एक सुबह जब वो अपनी टपरी खोलता है तो कुछ लोग उसकी दुकान पर आते हैं, जिनकी भाषा से वो तमिलनाडु के लग रहे थे। पंडी अपनी तरफ के लोगों को देखकर काफी खुश हो जाता है और तमिल में ही वो लोग आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी पंडी की नज़र उनमें से एक शख्स पर जाती है, जिसकी कमर में बंदूक तनी हुई थी। बंदूक को देखकर सीधा साधा पंडी घबरा जाता है और उन लोगों से वहां से जाने की गुजारिश करने लगता है। उनके जाने के थोड़ी देर बाद वहां पर एक अन्य आदमी आता है, जो पंडी को दुकान से बाहर घसीटकर बिना बात के झगड़ा करने लगता है, जिससे पंडी का दिमाग भी खिसक जाता है और उसे गुस्से में मारने लगता है। ये सब चल ही रहा होता है कि अचानक पंडी के कुछ दोस्त एक ऑटो रिक्शा में आकर उससे पूछते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, वो पुलिस वाला है। ये सुनकर पंडी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो अपना हाथ रोक लेता है। अब पुलिस वाले उन तीनों को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं, जहां पर बिना किसी पूछताछ के पहले बहुत मारते हैं। इन्हीं में कुमार नाम का एक लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, पर तभी सामने से एक पुलिस वाला आकर उस पर हमला कर देता है और वो सीधे नीचे जमीन पर गिर जाता है। पंडी और मुर्गन उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमार उठता ही नहीं। हालांकि उसकी सांसें जरूर चल रही थी, पर वो पूरी तरीके से बेहोश था। इसके बावजूद पुलिस को उस पर तरस नहीं आता है और बड़ी ही बेरहमी से तीनों को दोबारा मारना शुरू कर देती है। सुबह होती है और हम थाने के इंस्पेक्टर विश्वेश्वर राव को देखते हैं। ये तीनों इंस्पेक्टर को देखकर काफी खुश होते हैं। एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि अब वो इंस्पेक्टर साहब को अपनी सारी तकलीफें बताएंगे और यहाँ से आजाद हो जाएंगे, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर तब पानी फिर जाता है जब विश्वेश्वर राव थाने में आकर कांस्टेबल से कहता है कि अभी तक तुम लोगों ने इनको नंगा क्यों नहीं किया, इनको नंगा करके और मारो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन तीनों को पुलिस थाने लेकर क्यों आई है, इनका जुर्म क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पहले शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी के घर पर चोरी हुई थी, जिसका काफी प्रेशर विश्वेश्वर के कंधे पर था। उसे मालूम पड़ता है कि चोर तमिलनाडु के थे, इसलिए वो केस को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए पंडी मुर्गन और कुमार को इसमें फंसा रहा है। वो तो इतना चाहता है कि ये तीनों अपना जुर्म कबूल कर लें, फिर चाहे असली आरोपी खुलेआम ही क्यों ना घूम रहा हो। यही कारण था कि पुलिस इन तीनों को पकड़कर रोजाना पीटती थी, वो भी उस जुर्म के लिए जिसे इन्होंने किया ही नहीं था। बस उनकी गलती ये थी कि वो तमिलनाडु से थे, और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात तो ये थी कि बेचारों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। थाने में उन तीनों की हालत बद से बदतर हो रही थी। इसी बीच पंडी एक लड़की को याद करते हुए अपने दोस्तों को बताता है कि रोजाना की तरह उसकी दुकान से शांति नाम की एक लड़की गुजरती है, जो बड़े लोगों के घर में साफ सफाई का काम करती है। वो शांति को रोज निहारता था, शांति भी उसे कभी कभार देख लिया करती थी, लेकिन इन आँख मिचोली के बीच उन दोनों के अल्फाज कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराए। उसी रात शांति उसकी दुकान पर एक फोन करने के लिए आती है, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के चलते फोन काम नहीं करता, इसलिए पंडी फोन को चेक करने के लिए उसके पास आता है। इसी बीच गलती से पंडी का हाथ शांति के हाथ से टकरा जाता है, जिससे शांति को काफी खराब लगता है और वो वहाँ से बिना फोन किए ही अपने घर वापस चली जाती है। हालांकि पंडी ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था और शायद ये बात शांति अच्छे से जान रही थी। रास्ते में उन दोनों की एक बार फिर से मुलाकात होती है, जहाँ शांति और पंडी एक दूसरे का नाम बताते हैं। दोनों की जान पहचान बढ़ती है और बातों ही बातों में वो पंडी को बताती है कि वो जिस घर में काम करती है उसकी मालकिन हफ्ते के कुछ रात घर नहीं आती, जिसकी वजह से मालिक उसके साथ जबरदस्ती करता है और अब वो ये नौकरी नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी से जल्दी उसे नई नौकरी की तलाश है
वो पंडित से गुजारिश करती है कि उसे कोई नई नौकरी दिलवा दे और जोर जोर से रोकर अपनी आप बीती सुनाती है। पंडित दिलासा देते हुए शांति से कहता है कि तुम रो मत, मेरी दुकान नजदीक में ही है, तुम्हें कभी भी अगर कोई ऐसी दिक्कत आए तो तुम वहाँ आ सकती हो। साथ ही मैं तुम्हारी नई नौकरी के लिए अपने कुछ जानने वालों से बात करता हूँ। पंडित ये सब इसलिए सोच रहा था कि कहीं उसके अरेस्ट होने के पीछे इसी लड़की का चक्कर तो नहीं। वेल, सुबह होती है और हम देखते हैं कि थाने में अब इन तीनों के अलावा अफजल नाम का एक और लड़का है, जिसे एक रात पहले पुलिस ने रोड चेकिंग के दौरान पकड़ लिया था। असल में बीती रात अफजल पिक्चर देखकर बाहर से लौटा था, तभी पेट्रोलिंग करने वाला एक पुलिस ऑफिसर उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम अफजल बताता है। अफजल नाम सुनकर पुलिस वाला भड़क जाता है और कहता है कि कहीं तुम किसी आतंकवादी संगठन से तो ताल्लुक नहीं रखते। तब अफजल घबराते हुए पुलिस वाले से बोला, नहीं सर, मैं तो तमिलनाडु से ताल्लुक रखता हूँ और यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके दो रोटी कमा रहा हूँ। तमिलनाडु का बताने पर पुलिस वाले उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर इन्हीं तीनों के साथ थाने में बंद कर देते हैं। अफजल की कहानी सुनकर अब पंडित को यकीन हो जाता है कि उन लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि पुलिस उन्हें यहाँ किसी दूसरे केस में फंसाना चाहती है। इसके बाद विश्वेश्वर इन चारों को एक अनजान जगह पर लेकर जाता है और उल्टा लटकाकर मारता है। कुछ घंटे मारने के बाद उन्हें एक राउंड चलने के लिए कहता है और फिर बांधकर दोबारा उनकी धुनाई शुरू कर देता है। इसी बीच मुर्गन गुस्से में विश्वेश्वर राव से पूछता है कि साहब, हमें पिछले दो दिनों से क्यों मार रहे हो, हम कौन सा जुर्म कबूल कर लें, आखिर आप हमसे क्या चाहते हैं। ये सुनकर विश्वेश्वर राव अपने पैर से उसके मुंह पर एक लात मारता है, जिससे बेचारे मुर्गन के दो दांत टूट जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल अपना मुंह धोने के लिए आती है और गलती से अपना फोन वहीं पर भूल जाती है। तभी पंडित महिला कांस्टेबल से कहता है कि मैडम, आप अपना फोन यहीं पर भूलकर जा रही हैं। ये सुनकर वो कांस्टेबल इन चारों से कहती है कि तुम लोगों से बड़ा बेवकूफ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो सबसे पहले फोन को चुरा कर दो मिनट के लिए अपनों को कॉल करके बताती कि आखिर मैं कहां पर हूं और किन हालातों में फंसी हुई हूं। बस समझदार के लिए इशारा ही काफी था और पंडित तुरंत फोन उठाकर अपने दुकान के मालिक को फोन करता है और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाता है। दुकान का मालिक अगले दिन थाने आता है और खिड़की से पंडित से कहता है कि अगर तुमने ये जुर्म किया है तो कबूल कर लो ना, जिस पर पंडित का वही जवाब होता है जो वो बीते कुछ दिनों से विश्वेश्वर राव को समझाने की कोशिश कर रहा था। इन लोगों की ये बात थाने में मौजूद एक तमिल सिपाही सुन लेता है और वो उन चारों को खाना खिलाकर समझाता है कि अगर तुम लोगों ने जुर्म किया है तो कबूल कर लो ना, क्यों इतनी परेशानियां झेल रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की ही तो सजा होगी। पर चारों के चारों अपनी बात पर अड़े हुए थे, जिससे वो सिपाही उन पर गुस्सा करने लगता है। अगले सीन में हमें मुथुवेल से मिलवाया जाता है, जो कि एक तमिलियन था और अपनी टीम के साथ आंध्र प्रदेश में केके नाम के एक युवक को पकड़ने आया था। अब ये केके कौन था ये आपको आगे मालूम चल जाएगा। दूसरी तरफ हमें दोबारा विश्वेश्वर राव को दिखाया जाता है, जिसे उसका सीनियर फटकार लगा रहा था और कह रहा था कि तुम किसी तरीके से भी इस केस को बंद करो, मैं नहीं जानता, मैं मंत्री नेताओं के फोन का जवाब दे देकर थक चुका हूँ। इस पर विश्वेश्वर राव को काफी गुस्सा आता है और रात में अब पंडित को सिपाही एक अलग कमरे में लेकर जाता है। वो उसे पूरी रात तड़पा तड़पा कर मारता है। बेचारे को इतना थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाता है कि उसकी बोलती तक नहीं निकलती, लेकिन फिर भी वो किसी भी हालत में जुर्म को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। अगली सुबह विश्वेश्वर राव इन्हें छोड़ देता है। रिहा होने के बाद ये लोग जाते जाते विश्वेश्वर राव का धन्यवाद भी करते हैं। साथ ही एक सिपाही इन लोगों को खाने पीने के लिए होटल में लाता है और 2000 रुपए भी देता है। चारों मिलकर जमकर पेट पूजा करते हैं। फिर पंडित को पुलिस वाले की नीयत पर थोड़ा सा शक होता है, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि अब हमें अपने अपने घर निकल लेना चाहिए। लेकिन तभी सिपाही उन लोगों से कहता है कि कुछ सिग्नेचर्स अभी बाकी रह गए हैं, तुम्हें थाने में दोबारा चलना पड़ेगा। वो लोग जाते तो खुशी खुशी हैं, मगर वहाँ पहुँचने पर विश्वेश्वर राव उन्हें फिर से नंगा कर देता है। असल में दोस्तों, ये विश्वेश्वर राव की एक चाल थी, क्योंकि इन तीनों ने 3 दिनों से खाना नहीं खाया था, जिसके बाद इन चारों की वैसी ही पिटाई शुरू हो जाती है। हालांकि फिर भी लाख पिटाई के बाद भी उनकी हिम्मत टूटने का नाम नहीं ले रही थी। उसी रात पंडित का मालिक एक वकील के साथ उससे मिलने के लिए आता है, जहां उसे वो समझाता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अगर यहां से बचना है तो जुर्म कबूल करना ही पड़ेगा।
क्योंकि पुलिस के ऊपर काफी दबाव है और वो किसी भी हालत में मुजरिम को पकड़ना चाहती है, लेकिन मुजरिम ना मिलने की वजह से वो तुम्हारे पीछे लगी है। मेरी राय मानो, 3 महीने से ज्यादा तुम्हें अंदर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। खैर, काफी समझाने के बाद पंडित जुर्म कबूल करने के लिए हामी भर देता है और दूसरे दिन विवेचना करने के लिए पुलिस इन चारों को उसी घर में ले जाती है जहां पर चोरी हुई होती है। हैरानी की बात तो ये थी कि उन बेचारों को पता ही नहीं था कि आखिर वो घर दिखता कैसा है। फिर भी पुलिस से अपनी जान छुड़ाने के लिए वो पुलिस के कहने पर घर के चप्पे चप्पे पर घूमने लगते हैं। अपनी गवाही में वो सब कुछ बताने लगते हैं कि कैसे उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ा, घर के लोगों को धमकाया और कहां कहां पर चोरी की। विश्वेश्वर राव ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि वो कोर्ट में उनके खिलाफ सबूत साबित कर सके। वहीं दूसरी तरफ तमाम कोशिशों के बाद मुथुवेल की टीम कोर्ट के बाहर केके को पकड़ लेती है, लेकिन आंध्रा पुलिस उसे अपने कब्जे में रखती है, जिससे बेचारे मुथुवेल की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। वो अपने सुपीरियर को फोन लगाकर ये खबर देता है। इसी दौरान कोर्ट में उन चारों की पेशी होती है, जहां जज उनसे पूछता है कि क्या तुम चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया है, जिस पर डरे सहमे वो लोग बेहद बहादुरी से जज के सामने सब कुछ सच सच बता रहे होते हैं, लेकिन ये सब वो तमिल में बोल रहे थे, जो कि जज को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में जज साहब कोर्ट में मौजूद सभी व्यक्तियों से पूछते हैं कि क्या किसी को यहाँ तमिल आती है। तभी एक कर्मचारी उठकर जज को बताता है कि किसी काम के सिलसिले में अभी तमिलनाडु पुलिस के कुछ अधिकारी आए हुए हैं, वो इनकी भाषा अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर मुथुवेल को बुलाया जाता है और ये चारों मिलकर अपनी सारी दुख भरी दास्तां उसे सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद मुथुवेल को भी यकीन नहीं होता कि तमिलियन होने के चलते इन बेचारों को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। वो जज को बताता है कि किस तरह विश्वेश्वर राव और उसके साथियों ने मिलकर इन्हें सताया है और जबरन उन्हें गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर रहे हैं। किसी गरीब के साथ इतना अन्याय होने पर जज विश्वेश्वर राव पर काफी गुस्सा होते हैं और इन चारों को बाइज्जत बरी कर देते हैं, जिसके बाद पंडी का मालिक उसे कुछ पैसे थमाता है ताकि वो अपने घर वापस हंसी खुशी जा सके। वापस जाते वक्त उन्हें रास्ते में मुथुवेल मिलता है, तो ये लोग उसके पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मुथुवेल उनसे कहता है कि अगर तुम्हें वाकई में मेरे इस एहसान का कर्ज चुकाना है तो क्या तुम लोग मेरे लिए एक काम करोगे, बस के नाम के एक आरोपी को यहाँ से अगवा करना है। वो चारों मुथुवेल का ये एहसान चुकाने के लिए केके को अगवा करके फिर उन्हीं के साथ तमिलनाडु के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में तमिलनाडु की बॉर्डर पर सबसे पहले कुमार का घर आता है, तो वो वहीं पर उतर जाता है, जिसके बाद सुबह जब ये लोग थाने पहुंचते हैं तो मुथुवेल उन्हें उनके घर जाने को कहता है, मगर एक कांस्टेबल उन्हें ये कहकर रोक देता है कि जाने से पहले थाने की साफ सफाई करवा दो। फिर साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है। वहीं मुथुवेल केके को एक अनजान जगह ले जाकर उससे कुछ पूछताछ करना शुरू कर देता है। असल में दोस्तों, केके देश का बहुत बड़ा ऑडिटर होता है, जिसके कनेक्शन में कई बड़े बड़े व्यापारी और राजनेता भी शामिल होते हैं। उसका काम ही इन लोगों के ब्लैक मनी को वाइट करना था। अब चूंकि चुनाव नजदीक थे तो ये काला धन सत्ता पक्ष के लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था, इसलिए उन लोगों ने डीसीपी पर दबाव डालकर केके को पकड़वाने की साजिश रची ताकि विपक्ष के कुछ नेताओं का भांडाफोड़ कर सके। पर केके इतनी जल्दी अपना मुंह कहां खोलने वाला था। बस फिर क्या था, कुछ सिपाही मिलकर उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं और नंगा करके आम कैदियों के बीच बैठा देते हैं। ये सब देखकर पंडित और उसके साथियों को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं और वो एक दूसरे से कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए, ना जाने क्यों ये जगह मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। पर मुर्गन उन दोनों को समझाता है कि इतनी रात में अब कहां ही हमें कोई साधन मिलने वाला है, किसी भी तरह रात यहां पर गुजारनी पड़ेगी, सुबह होगी तो यहां से तुरंत 9:10-11 हो जाएंगे। अब पंडित से केके की हालत देखी नहीं जाती तो वो उसे अपना फोन थमा देता है, वैसे ही जैसा उसके साथ थाने में महिला कांस्टेबल ने किया था, और केके को अपने जानने वालों को फोन करने की सलाह देता है। केके जब अपने एक करीबी को फोन लगाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि मुथुवेल और उसके सीनियर डबल गेम खेल रहे हैं। उन लोगों ने अपोजिशन वालों से 3 करोड़ रुपए लिए हैं और उसे छोड़ने की जगह मारने का प्लान कर रहे हैं और फिर केके की मौत को एक दुर्घटना में बदल देंगे। ऐसे में केके फैसला करता है कि अब वो कुछ लोगों का नाम उजागर करेगा। तभी वहाँ पुलिस अधिकारी आ जाता है और केके को मार मार के उसके हाथ पैर लटका देता है। वो उसे इतना मारता है कि वो बेसुध हो जाता है
और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर मुथुवेल आता है। मुथुवेल केके को अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन पुलिस अधिकारी उसे ऐसा करने से मना करता है और दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। हालांकि अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि केके मर चुका था। मुथुवेल का अधिकारी उसे कॉल पर समझाता है कि अब तुम्हें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे कुछ आदमी वहाँ आ रहे हैं, वो केके की मौत को आत्महत्या दिखा देंगे। वेल, कुछ ऐसा ही होता है। कुछ लोग थाने में आते हैं और केके की लाश को उसके घर ले जाते हैं और फिर पंखे से लटका देते हैं ताकि वो आत्महत्या लगे। इसके थोड़ी देर बाद थाने में मौजूद सभी अधिकारी वहां आकर केके की हत्या को आत्महत्या बताकर मीडिया के सामने उजागर करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। हालांकि मुथुवेल अभी भी इन सब के खिलाफ था, लेकिन आला अधिकारियों के सामने उसकी कहां चलने वाली थी। इसी दौरान एक अधिकारी टॉयलेट में जाता है तो वो देखता है कि वो तीनों लड़के वहीं पर साफ सफाई का काम कर रहे थे। उन्हें देखकर पुलिस ऑफिसर का दिमाग खराब हो जाता है और वो उन्हें वहां से भगा देता है। साथ ही अब उसे ये डर सताने लगता है कि कहीं इन लोगों ने उनकी बातें ना सुन ली हो, इसलिए वो फैसला करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इन लोगों को किसी दूसरे केस में फंसाकर इनका एनकाउंटर करना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में ये उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। मुथुवेल को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता क्योंकि वो तीनों उस पर बहुत विश्वास करते थे। पर डीसीपी उसे ये समझाता है कि कल को अगर ये केस हाई प्रोफाइल बना तो सीबीआई इंक्वायरी करेगी और जब उन्हें पता चलेगा कि केके की मौत तुम्हारे थाने में हुई है तो वो तुम्हें सलाखों के पीछे भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस पर मुथुवेल मान जाता है और एक सिपाही आकर उन तीनों से कहता है कि अभी तुम्हें बड़े साहब के घर में सफाई करनी है, इसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। यहाँ पर पंडी को अब दाल में कुछ काला लगने लगता है, पर फिर भी मुथुवेल पर भरोसा करके उसके साथ चल देता है। काफी घंटों के सफर के बाद पुलिस उन्हें एक जगह पर लाती है जहाँ पर एक कमरे में उन्हीं लोगों के सामान पड़े हुए थे, जिससे ये साफ समझ में आ रहा था कि पुलिस ये साबित करना चाहती है कि वो लोग यहीं पर रहा करते थे। अब तीनों के मन में भय दौड़ने लगता है, लेकिन अफजल उन्हें समझाता है कि तुम लोग फालतू इतना परेशान हो रहे हो। मुथुवेल सर, हम लोगों के साथ बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं होने देंगे, वो बेहद ईमानदार अधिकारी हैं। तुम दोनों यहीं रुको, मैं उनसे बात करके आता हूँ। इतने में जैसे ही अफजल कमरे से बाहर जाता है तभी गोली चलने की एक जोरदार आवाज आती है जो अफजल के सीने को फाड़ते हुए दूसरी तरफ निकल जाती है। अफजल वहीं जमीन पर पड़ा पड़ा अपने होश खो देता है। गोली की आवाज सुनकर मुथुवेल अंदर आता है और सिपाही को डांटने लगता है कि आखिर तुमने गोली क्यों चलाई, जिस पर सिपाही बताता है कि सर मैं क्या करता, ये भागने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ पंडी और मुर्गन भी अफजल को पकड़कर जोर जोर से रोने लगते हैं। वो मुथुवेल से गुजारिश करते हैं कि ये अभी भी बच सकता है सर, प्लीज इसे अस्पताल लेकर चलिए। पर मुथुवेल को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा एक सिपाही तो पंडी के हाथों में हथकड़ी लगाने लगता है, जिससे दोनों को ये समझ में आ चुका था कि अब वो किसी भी कीमत पर यहाँ से जिंदा लौट नहीं सकते, उनका भी हाल अफजल की तरह ही होगा। इसलिए मौका पाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस उनके पीछे पीछे बाहर आती है जहाँ पर मौजूद घास में वो कहीं गुम हो जाते हैं। हालांकि इसी भागा दौड़ी में पुलिस के हाथ मुर्गन लग जाता है और वो उसे वहीं पर गोली मार देते हैं। अब सिर्फ पंडी ही बचा था, वो किसी तरह मुथुवेल की बंदूक को छीन कर उसके सामने तान देता है। मुथुवेल उसे समझाता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी दूसरी तरफ से दो गोलियों की आवाजें आती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एक गोली तो पंडी को लगी थी, लेकिन दूसरी ऑफिसर मुथुवेल को, जो कि खुद उसी के आदमी ने चलाई थी, क्योंकि वो डीएसपी के खिलाफ कोर्ट में जाने वाला था, इसलिए तीनों के साथ उसे भी मारने का फरमान जारी हो चुका था। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इन चारों में सिर्फ चंद्र कुमार यानी कि कुमार ही जिंदा बचा था, जो आगे चलकर बहुत बड़ा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनता है। साथ ही साथ उसने कई बेस्ट सेलिंग बुक्स भी लिखी और उन्हीं में से एक मशहूर किताब थी लॉकअप, जिसके ऊपर हमारी ये कहानी आधारित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।